सो हे गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। मैं हूं एदर। आज है ट्यूसडे और टीआरपी बस्टर्स की एक नई वीडियो हाजिर है। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले मंडे से लेकर इस संडे तक के 8 PM के तमाम ड्रामास के बारे में बताऊंगा कि किस ड्रामे ने कितनी टीआरपी ली, कौन सा ड्रामा स्लॉट को लीड कर गया और कौन सा ड्रामा जो है वो पीछे रह गया। तो फिर बिना टाइम को जाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। सबसे पहले मंडे की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 ड्रामास देखने को मिले, दिल माने ना, बंस रोड के रोमियो जूलियट, एक चुबन सी और शिद्दत, जिस ड्रामे ने कम टीआरपी हासिल की लेकिन पिछले दिनों की निस्बत इसकी टीआरपी इस दफा काफी बेहतर आई। तो ये था दिल माने ना और इस दफा इसने 1.6 की टीआरपी हासिल की जो कि ठीक ठाक है, बेहतर है। इसके बाद हम टीवी के एक चुबन सी की बात करें तो शुरू में ये बहुत अच्छी टीआरपी ले रहा था लेकिन अब ये नीचे आ रहा है। पहले इसने टाइम स्लॉट को लीड भी किया था तो इस दफा जो इसकी टीआरपी आई है ये है 6.6 की और ड्रामा जो अब थोड़ा नीचे आ गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये सस्टेन रखे अपनी टीआरपी को और इतनी टीआरपी तो ये कम से कम लेता रहे क्योंकि ऑडियंस इसे काफी हद तक देख रही है। इसके बाद बंस रोड के रोमियो जूलियट की बात करें तो इसकी टीआरपी में भी एक राइज देखने को मिला है थोड़ा सा और इस दफा जैसे टीआरपी हासिल की है 6.8 की जो कि ठीक ठाक टीआरपी है और ये स्लॉट को लीड ना कर सका। लेकिन जिस ड्रामे ने स्लॉट को लीड किया है वो है जियो टीवी का शिद्दत जो कि मुसलसल या तो स्लॉट को लीड कर रहा है या फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है लेकिन इस दफा इसने स्लॉट को लीड किया है और 7.8 की टीआरपी हासिल की है। इसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 4 ड्रामास देखने को मिले, दिल माने ना, खुशबू में बसे खत, बंस रोड के रोमियो जूलियट और शिद्दत। दिल माने ना की टीआरपी जो है वो पिछली दफा से भी थोड़ी बेहतर हुई और इसने 1.7 की टीआरपी हासिल की, लोग इसे अब थोड़ी तवज्जो देना शुरू कर चुके हैं। इसके बाद खुशबू में बसे खत की बात करें तो इसकी टीआरपी में एक फॉल नजर आया है और ये ड्रामा बहुत गंदी टीआरपी ले रहा है। इस दफा इसकी टीआरपी 4.6 की आई है जो कि बहुत कम है, इससे पहले ये ड्रामा जो है वो इससे काफी बेहतर टीआरपी ले रहा था। बंस रोड के रोमियो जूलियट की बात करें, इसकी टीआरपी पिछले दिन से भी कम आई है और इस दफा इसने 5.2 की टीआरपी हासिल की है जो कि बहुत कम है, मतलब पिछले दिन की निस्बत भी देख लें तो इसलिए इसकी टीआरपी में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। फिर से जियो टीवी का जो शिद्दत है वो स्लॉट को लीड कर गया और इसने 7.1 की टीआरपी हासिल की और ये ड्रामा जो है वो मुसलसल स्लॉट को लीड कर रहा है और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इस दिन का स्लॉट लीडर शिद्दत रहा है। इसके बाद वेनसडे की बात करें तो यहाँ पर 4 ड्रामाज हैं, बेहद, दिल का क्या करें, रद्द और जान से प्यारा जूनी। जो दिल क्या करें है इसकी टीआरपी, दिल माने ना, जिसकी स्टारकास्ट इतनी बड़ी भी नहीं है, इसकी निस्बत दिल का क्या करें, इसकी जो स्टारकास्ट है वो बेहतर है लेकिन टीआरपी इसकी बहुत कम आ रही है, एक से भी नीचे है, एक दफा भी इसने एक के डिजिट को क्रॉस नहीं किया। तो इसकी टीआरपी आई है 0.72 की जो कि कम है, उम्मीद करते हैं कि एक के फिगर को क्रॉस करेगा। इसके बाद बेहद की बात करें तो इसकी टीआरपी जो आई है वो आई है 6.2 की जो कि ठीक ठाक है लेकिन इससे भी ये बेहतर टीआरपी डिजर्व करता है। जान से प्यारा जूनी जो कि शुरू में बहुत अच्छी टीआरपी ले रहा था लेकिन अब जाकर इसकी टीआरपी गिरना शुरू हो गई है और इस दफा इस ड्रामे ने 6.6 की टीआरपी हासिल की है। इसके बाद वो ड्रामा जो कि 0.1 के डिजिट से रह गया और स्लॉट को लीड तो कर गया लेकिन डबल डिजिट टीआरपी हासिल ना कर सका वो है रद्द और इस दफा इसने वेनसडे के स्लॉट को लीड किया और 9.9 की टीआरपी हासिल की। 0.1 और मिल जाता तो डबल डिजिट मतलब 10 की टीआरपी आ जाती जो आगे जाकर इसने हासिल भी कर लिया। तो इस दिन वेनसडे को रद्द ने स्लॉट को लीड किया। थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर 4 ड्रामास थे, दिल का क्या करें, बेहद, तेरी छाओं में और रद्द। तेरी छाओं में इस ड्रामे की यहाँ पर पहली एपिसोड थी, दिल का क्या करें की टीआरपी पिछले दिन से भी गिरी और 0.63 की इसने टीआरपी हासिल की। बेहद की बात करें तो इसकी टीआरपी जो है वो पिछले दिन से भी कम थी, पता नहीं क्यों अगले दिन टीआरपी और कम हो जाती है और इसने 5.5 की टीआरपी हासिल की। तेरी छाओं में जो कि दानिश तमूर का ड्रामा है और लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे इस ड्रामे का कि कॉन्टेंट अच्छा होगा, ड्रामा वही स्टीरियोटिपिकल निकला, इसमें कुछ भी नया नहीं है और इसकी पहली एपिसोड ने 6.2 की टीआरपी हासिल की और कई मतलब जो रिव्यूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि दानिश तमूर अब टाइपकास्ट हो चुके हैं, उन्हें कुछ और करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इनका मजाक भी बना रहे हैं। तो ड्रामे ने कुछ खास टीआरपी हासिल नहीं की, मुझे लगता है आगे जाकर ये टीआरपी और गिरेगी। इसके बाद उसकी बात करें जिसने स्लॉट को लीड किया तो वो है रद्द और डबल डिजिट की टीआरपी हासिल की और 10 की टीआरपी मतलब इससे हासिल की और स्लॉट को मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप किया और अब लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन इसकी टीआरपी भी 9-10 की धूप में फंस गई है, उम्मीद करते हैं कि ये आगे जाकर 13-14 की टीआरपी हासिल करेगा। इसके बाद फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पर 4 ड्रामाज हैं, जफा,
नूरजहां, जानिसार और पस्सेदीवार। पस्सेदीवार मुसलसल गंदी टीआरपी ले रहे हैं और इस दफा भी इसने इम्प्रूव नहीं किया और इसने 0.48 की टीआरपी हासिल की है। जफा की बात करें तो ये ड्रामा जो है अच्छी स्टारकास्ट वाला है, लेकिन इसकी टीआरपी जो है वो उस हिसाब से कम आ रही है। इस दफा इसने 6.5 की टीआरपी हासिल की है। ड्रामा बहुत एंटरटेनिंग है, उम्मीद करते हैं आगे जाकर इम्प्रूव करेगा। नूरजहां की बात करें तो इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाला ड्रामा 10-11 की मैं टीआरपी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये ड्रामा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और अच्छी टीआरपी ला रहा है एक हिसाब से, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से टीआरपी कम है। तो इस दफा इस ड्रामे ने 7.0 की टीआरपी हासिल की। जानिसार फ्राइडे के स्लॉट को लीड कर गया, क्योंकि मतलब इस दिन कोई और स्ट्रॉन्ग बड़ा ड्रामा नहीं था, सारे ड्रामे नए शुरू हुए हैं, तो इस दफा इसकी टीआरपी जो है वो 8.7 की आई है। सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर 4 ड्रामास थे, नूरजहां, जानिसार, तकब्बुर और लेट्स ट्राई मोहब्बत। ग्रीन का ड्रामा हमेशा चौथे नंबर पर आता है, तो इसलिए इस ड्रामे की टीआरपी जो लेट्स ट्राई मोहब्बत है वो 0.81 है। थोड़ा इंप्रूव किया इसने, लेकिन उस हद तक इम्प्रूव नहीं किया जो हम सोच रहे थे, तो इसलिए टीआरपी 1 के डिजिट को क्रॉस नहीं कर सकी। ड्रामा बहुत जल्द खत्म होने वाला है, कुछ एपिसोड पड़ी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 1 के डिजिट को तो क्रॉस कर जाए अपने पूरे रन टाइम में। इसके बाद तकब्बुर की बात करें कि 12-13 के बाद ये नीचे आया सीधा और 5-4 की टीआरपी ले रहा है, तो इस दफा इसकी जो टीआरपी आई है वो 5.4 की आई है। जानिसार स्लॉट को लीड ना कर सका इस दफा और 7.9 की टीआरपी हासिल की है और ये पीछे रह गया, दूसरे नंबर पर आ गया। नूरजहां जो है वो इस दफा स्लॉट को लीड कर गया और ठीक ठाक मार्जिन के साथ। इस दफा नूरजहां की जो टीआरपी आई है वो आई है 8.4 की और इसने स्लॉट को लीड किया है। संडे की बात करें तो यहाँ पर टफ कंपटीशन होता है, यहाँ पर जरपतों के बंद, जानिसार और जेंटलमैन होते हैं और जेंटलमैन साहब जो हैं वो हमेशा फेक टीआरपी के साथ आते हैं। इस दफा भी फेक टीआरपी हासिल की है, लेकिन दोनों से नीचे हैं। इस दफा इन्होंने क्लेम किया है कि हमारी टीआरपी 6.95 6.95 आई है, लेकिन असल टीआरपी 2.5 तक की आई है, लेकिन इनका क्लेम है तो मान लेते हैं। जानिसार फिर स्लॉट को लीड ना कर सका और इसने 7.6 की टीआरपी हासिल की, जबकि जर्द पत्तों का बंद पहली दफा डबल डिजिट टीआरपी ले गया और विन कर गया पूरे स्लॉट को और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इसने मतलब लीड किया और 10.6 की टीआरपी हासिल की है और मैं इसकी टीआरपी पे बहुत खुश हूँ। तो ये है इस हफ्ते की टीआरपीज। इस हफ्ते सबसे ज्यादा टीआरपी का रिकॉर्ड जर्द पत्तों के बंद के नाम रहा है और इसने साबित कर दिया कॉन्टेंट इज किंग, के जो कंटेंट है वही असल चीज़ होती है अगर ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट कर जाए तो। तो आप ज़रूर बताइएगा आप इनमें से कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है, कौन सा ड्रामा मोर टीआरपी डिजर्व करता है, कौन सा ड्रामा टीआरपी इतनी डिजर्व नहीं करता। आज की वीडियो को लेकर आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।